हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 2। एंड जैसे मैंने आर्क सर्वाइवल इवॉल्व पीसी वर्जन क्या खेला, काफी ज्यादा भाई लोग बोलने लगे कि भाई यार आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का मॉड प्राइमल फेयर खेलो। एक्चुअली में गाइस, ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सीरीज चल रही है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे प्राइमल फेयर की। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से यार अपना वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने अगल बगल थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था और मैंने अपने के लिए एक मॉस्चो भी टेम करा था, बट वो पता नहीं अभी कहां गया है। वैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में अपने के लिए घर बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा रिसोर्सेस फार्म करके रखा हुआ है। वैसे मैं घर बना सकता था, बट मैंने डिसाइड करा अगर वीडियो में हम लोग घर बनाएंगे वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जितना भी रिसोर्सेज मैंने फार्म किया था वो मेरे बैकपैक में है। फटाफट से हम लोग यहाँ पे जो है ना फाउंडेशन प्लेस करते हैं। तो ओके गाइस, फटाफट से लेट्स गो। यहाँ पे सही रहेगा। ओके, तो ठीक है, एक प्लेस कर लिया। तो मैं यहाँ पे गाइस 3x3 का बनाने वाला हूँ। ज्यादा बड़ा बेस बना के कोई फायदा नहीं है, छोटा सा बनाएंगे पर मजा आना चाहिए गाइस। तो ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने सारी की सारी फाउंडेशन यहाँ पे प्लेस कर ली है। और मेरा प्लान है कि हम लोग जो है ना एकदम सेंटर में विंडोज प्लेस करेंगे, क्योंकि रात को जो है ना दिन में भी अंधेरा ना हो अपने घर में, उजाला यार बराबर आना चाहिए। तो यहाँ यहाँ पे हम लोगों ने एकदम सेंटर में विंडोज लगा लिया। एंड बगल में जो है ना हम लोग वॉल्स वगैरह खड़ी कर देंगे। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इतना ही बनाऊं, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे सीलिंग लगाई, लिटरली गाइस काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। बाद में मैंने डिसाइड करा कि हम लोग जो है ना एक वॉल इसके ऊपर और खड़ा करेंगे, तब सही रहेगा। देखो मेरा प्लान था कि हम लोग जो है ना बेस इतना ही रखें, बट जैसे मैंने यहाँ पे सीलिंग प्लेस करा मुझे भी यार काफी ज्यादा बेकार लगा। अभी जो है ना मैं सीलिंग उठा लेता हूँ, बट उससे पहले स्टेयर उठाएंगे। तो स्टेयर्स को तो हम लोग यहाँ पे आराम से प्लेस करते हैं। ओके लेट्स गो। तो फाइनली यहाँ पे हमारा स्टेयर तो प्लेस हो चुका है। हाँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे सीलिंग क्या प्लेस करी, हम देख सकते हो यार काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो मैंने डिसाइड करा सारी की सारी सीलिंग्स हटाऊंगा, इसके ऊपर एक वॉल लगाने के बाद फिर हम लोग जो है ना आगे सीलिंग्स लगाएंगे। बट अभी मेरे को सारी की सारी सीलिंग्स तोड़ना पड़ेगा एंड दोबारा से मेहनत करना होगा यार। तो चलो जितनी हम लोग सीलिंग्स पिक कर लेते हैं वो उठा ही लेंगे इनको। हाँ, उठा लेते हैं। ओके, पिकअप वुडन सीलिंग। तो लगभग 4 से 5 सीलिंग में यहाँ पे उठा लिया था एंड बाकी की जितनी भी सीलिंग्स थी मेरे को तोड़ना पड़ा। फिर गाइस यहाँ पे मैंने काफी देर थोड़ा सा ऑफलाइन देके यहाँ पे अपना बेस वगैरह बनाया एंड आई फाइनली जो है अपना बेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले मेरा प्लान था कि मैं अपने बेस में डोर नहीं लगाऊंगा, फिर बाद में याद आया अगर कोई डाइनो हमारे पीछे पड़ गया मारने के लिए एंड गलती से हम लोग अपने बेस में घुसे, अगर डोर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो भी अपने बेस में घुस के हमको पेल पाल देगा भाई, वो गलती नहीं करना है। तो अभी जो है गाइस अपना बेस लगभग बनकर रेडी हो चुका है और मेरा प्लान है कि अपन लोग जो है ना अपने बेस पर स्टोरेज बॉक्सेस लगाएंगे, वो भी बड़े वाले। पर्टिकुलर हर एक स्टोरेज बॉक्सेस का कुछ ना कुछ काम होगा, जैसे कि हम लोग किसी में ओनली वुड्स रखेंगे, किसी में ओनली थैच रखेंगे, किसी में हाइड वगैरह, मतलब इस तरीके से हम लोग बनाने वाले। तो फटाफट से मैंने 4 से 5 यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस बनाया। तो मैंने डिसाइड करा विंडो के सामने तो हम लोग लगाने वाले नहीं है, हम लोग जो है ना कोने कोने में अपने स्टोरेज बॉक्सेस लगाते हैं। तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके लेट्स गो। ठीक है, ये जगह सही लग रहा है। तो 4 स्टोरेज बॉक्सेस आ गया है एंड 4 हम लोग नेक्स्ट कोने में भी प्लेस कर सकते हैं, बट यहां पे जो है ना मुझे लगता है ओनली 2 आएगा। हाँ, ऑलरेडी मेरे पास 2 पड़े हुए हैं एंड विंडोज को मैं क्लोज नहीं करने वाला। तो हम लोग जो है ना लगभग ओनली 6 स्टोरेज बॉक्सेस से अपना काम चलाने वाले हैं। तो इसको तो मैं रखूंगा यहां पे। ठीक है, तो फाइनली गाइस अपना बेस लगभग बनकर रेडी हो चुका है और मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा जो है ना हम लोग यहाँ पे का एक्सप्लोर करते हैं।
बट जब मैं अपने के लिए घर वगैरह बनाने के लिए रिसोर्सेस फार्म कर रहा था, सो मुझे लगा अपने को एक ऐसा डाइनो चाहिए जो कि हमारा वेट वगैरह उठा सके, क्योंकि एक ही बार में हम लोग काफी ज्यादा वुड फार्म करेंगे तो तब हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है 200 वुड फार्म करा, बैकपैक का लिमिट फुल हो गया, फिर वो सारा का सारा सामान हम लोग आए डिपो करने के लिए बेस में। तो मैंने डिसाइड करा अपने बेस के बगल में काफी ज्यादा पैरासोरस घूम रहे हैं, तो एक पैरासोरस को पकड़ना तो बनता ही है। तो चलो गाइस, बट उसके लिए मेरे को फटाफट से अपने के लिए बोला वेपन्स बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है, बट उसको बनाने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, हाइड। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे मेरे को एक डोडो दिखा भाई, उसको मैंने यहाँ पे इजीली बजा दिया है, तो फटाफट से उसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो भाई आई थिंक इतना हमारे पास हाइड हो गया होगा, फटाफट से जो है ना जितने बोला वेपन्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं बना लेते हैं, क्योंकि एक बार ही मैं पैरासोरस को मारा था गलती से पिछवाड़े में उसके, भाई वो इतना तेज भागा फिर तो मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। मैंने कहा इस बारी वो गलती नहीं करना अपने को, तो ठीक है। एंड उसको अनकॉन्शियस करने के लिए मेरा प्लान है कि अभी हम लोग वुडन क्लब से अनकॉन्शियस करेंगे, क्योंकि मेरे पास ट्रैंकुलाइजर एरोज भी नहीं है भाई। यहाँ पे एक लेवल अप आया एंड वो तो हम लोग कहीं ना कहीं दे ही देंगे, किस में दें, पहले वुडन क्लब बनाता हूँ, लेवल वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। लगभग 2 वुडन क्लब आई थिंक सफिशियंट होंगे, हाँ इतना बढ़िया होगा। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं निकला पैरासोरस को देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा दूर आए, बट यहाँ पे काफी ज्यादा डिलोफोसोरस है, बट मेरे को उससे बच के जाना पड़ेगा भाई, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। और यहाँ पे देखो भाई टेक पैरासोरस, ओ भाई मजा आ गया, बट लेवल हाई नहीं है, 33 लेवल का, ये नहीं चाहिए अपने को भाई। पटी है मेरा पीछे छोड़ेंगे डिलोफोसोरस, मुझे लगता है भागना पड़ेगा। ओके गाइस लगता है गलत सीन हो गया, वो पैरासोरस के पीछे पड़ गए, देखता हूँ मैं, एक्चुअली मैं वो पैरासोरस के पीछे ही अभी भी अपने पीछे हैं, नहीं वो पैरासोरस के पीछे भाग चुके हैं, तो मेरे पास काफी अच्छा ऑप्शन है। ओ ओ ओ ओ गाइस यहाँ पे एक डिलोफोसोरस है, मैं ऐसा करता हूँ भागता हूँ इससे, बट अगर इसको हम लोग टेम कर लें तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो यार फटाफट से इसको ही टेम करते हैं, पैरासोरस हम लोग बाद में करेंगे, वैसे वुडन क्लब से इसको मैं अनकॉन्शियस करने का ट्राई तो कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक अनकॉन्शियस होता है। भाई ये काफी गंदा मार रहा है, दूसरा भी आ गया। ओके ये पैरासोरस के पीछे बढ़ गया, काटो इसके पिछवाड़े में, आराम से चलते हैं। ओके ये देखो भाई बार इस बारी जो है ना ये डैमेज दे रहा है, भाई स्प्लिट कर दिया, भागना पड़ेगा, पॉइजन, अपना हेल्थ काफी गिर रहा है। भाई लगता है एक का जो है ना टॉप का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था एंड दूसरा तो भाग गया, और एक जो हाई लेवल का वो अपने पीछे आ रहा है, नहीं अब दोनों आ गए, एक भागा भाई, नहीं 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 रुक जा अपना थोड़ा सा पॉइजन कम करते हैं, अगर दिख रहे। ओके गाइस इसका भी अनकॉन्शियस लेवल बढ़ने लगा, आई मीन टॉर्पर लेवल बढ़ चुका है, अब ये भी अनकॉन्शियस होगा, चलो इसको अनकॉन्शियस कर भाई, मार इसके पिछवाड़े में, ये पानी की तरफ जा रहा है, मेरा प्लान नहीं है इसको पानी की तरफ भेजूं मैं, इसको फटाफट से पानी से बाहर निकालता, बट ये स्कैम कर दिया। अरे नहीं 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 भाई गलत सीन भाई, ये क्या था यार, ये अनकॉन्शियस होने वाला था, देखा आप लोगों ने मेरे से भाग रहा था, बट इसने दोबारा से फाइट बैक कैसे करा, मैं समझ गया गाइस आर्क पीसी में जो है ना डायनोस थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना सारे का सारा लूट उठाया एंड अब मुझे पता चल चुका था कि डिलोफोसोरस के पीछे ज्यादा पागलों की तरह नहीं भागना है, बट ये डिलोफोसोरस अभी भी अपने पीछे है। रुको अभी देखते हैं इसको फटाफट से, जो है मेरे आर्मर्स वगैरह है ना उनको मैं फटाफट से इक्विप करता हूँ एंड फिर चलते हैं हम लोग इनको मारने के लिए। ओके गाइस अभी जो है ना अब तो आ रही अब पा रही होगा, आ जा बेटे स्प्लिट करेगा, भाग भाग भाग। ओके लेफ्ट का एक फटका, अब नहीं हो, 32 लेवल का है, लगभग 45-46 के करीब आराम से हो जाएगा। ठुक रहा है, जंप कर, वो बच गया। भाई कितने डंडे खाएगा ये, कितने डंडे खाएगा, हो भाई। ओके गाइस ये अनकॉन्शियस होने लगा, बट इसके ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, कहीं इस बार भी वो फाइट बैक करेगा और मेरा फूड लेवल भी खत्म, ले खाओ फटका। ओके सो फाइनली गाइस जिसने हमें मारा था एंड हम लोगों ने उसको अनकॉन्शियस कर ही दिया है, फटाफट से मैं जाता हूँ पानी पीता हूँ एंड जितना भी हमारे पास फूड वगैरह है सारे के सारे इसकी इन्वेंट्री में डाल देंगे। बट मैंने अपने बैकपैक में देखा मेरे पास तो रॉ मीट है ही नहीं,
भाई अभी मेरे को रॉ मीट भी फार्म करने जाना पड़ेगा, तो देखता हूँ। ठीक है, फीमेल है। ओ भाई ये पैटर्न रोन, अगर इसको हम लोग मार दें तो डेफिनेटली इससे अपने को काफी ज्यादा मीट मिल सकता है। वैसे काफी ज्यादा हाई लेवल का है, तो ट्राई करते हैं। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने इसको अनको ट्रैप तो कर लिया है। फटाफट से जो है ना स्पीयर से हम लोग इसको मारने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी हम लोग मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। भाई लगे हुए हैं दबा के मारने में। ऐसे रात भी होने वाला है बट मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द ये मर जाए। अबे उड़ के भाग गया भाई, गलत सीन, ये चीटिंग कर दिया बट कोई नहीं। ओ भाई 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 भाई, गलत चीज स्पॉन हो गई अपने बगल में, भागना पड़ेगा। अगर वो पड़ गया अपने पीछे तो बचना इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे मेरे को एक लुस्टोसॉरस मिला, तो यार इससे तो अपने को मीट इजीली मिल जाएगा। ओके, एक डोडो भी है, इसको भी बचा देते हैं। तो चलो चलते हैं अभी हम लोग उसी डिलोफोसॉरस के पास। आई थिंक उसका हंगर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया होगा एंड इजीली टेम हो जाएगा। अबे गया किधर? मेरे को ना उधर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि वहां पे कोई खतरनाक डाइनो है भाई, वो पीछे भागेगा ना, उससे बचना इम्पॉसिबल है। चलो जितना भी अपने पास मीट है वो सारे के सारे हम लोग इसकी इन्वेंटरी में रख देते हैं एंड इजी पीजी गाइस यहाँ पे ये टीम। बूम बाम, मजा आ गया। तो अभी जो है ना अब इसको हम लोग लेके चलते हैं फटाफट से अपने बेस में। वैसे रात भी होने वाला है सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुक के कोई फायदा होगा। फटाफट से जो है ना गाइज यहाँ पे से हम लोग चलते सीधा अपने बेस में। एंड मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग किसी डाइनो के ऊपर अटैक करके देखते हैं, बट ये तो अटैक कर ही नहीं रहा है। लगता है मेरे को मारना पड़ेगा, उसके बाद विसिल बजाएंगे तब मारेगा। आ रहा है, ओके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। स्प्लिट किया, मार भाई इसको। ओ गलती से तो इसको मत मार देना, वो तेरे को बजा देगा। मार 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 मार। तो गाइस एक चीज बोलो, हम लोग अगर तीन चार डिलोफोसॉरस आई मीन टेम कर दें और उनसे हम लोग एक ट्राई को मारे तो क्या बोलते हो? कुछ ना कुछ अलग करेंगे यार इस बार इस सीरीज में। तो मेरा प्लान है गाइस, हम लोग जो है ना डिलोफोसॉरस की आर्मी बनाएंगे एंड उनसे जो है ना हम लोग फाइट कराने वाले हैं ट्राइक की। मार भाई इसको। भाई मार रहा है, अच्छा है। तो ये अपने बेस की हेल्प भी कर सकते हैं, आई मीन अपने बेस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना गाइज डिलोफोसॉरस पकड़ने पड़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे रात हो चुका था तो मैंने डिसाइड करा यार अभी हम लोग मॉर्निंग का वेट करते हैं। एंड जैसी मॉर्निंग हुआ यहाँ पे मेरे को कुछ रात को आई मीन मॉइस्चर वगैरह दिखे थे, मैं टेम करने का ट्राई कर रहा था बट वो लकीली यार टेम नहीं हो पाया। अबे भाई भाई सॉरी 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 सॉरी, गलती गलती गलती, इससे भागना पड़ेगा बट अपना डिलोफोसॉरस पीछे है। वैसे मेरे को ना देखता हूँ ये कौन क्या है, आई थिंक मेल है भाई। इसको हम लोग मारने वाले नहीं है तो इसको जो है ना हम लोग टेम करेंगे क्योंकि हमारे पास फीमेल डिलोफोसॉरस है। भाई इसको टेम कर लिया ना गाइस मजा आ जाएगा, मेल एंड फीमेल हो जाएगी तो हम लोग इनकी ब्रीडिंग इजीली करा सकते हैं। ओके भागने लगा, अनकॉन्शियस हो गई है। किधर 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 भाग रहे हो भैया किधर? ओके सो यहाँ पे जो है ना ये तो अनकॉन्शियस हो चुका है, बस अभी अपने को फूड का जुगाड़ करना है। ऑलरेडी मेरे पास फूड तो है तो मैं इसकी इन्वेंट्री में डाल देता हूँ एंड देखते हैं कब तक टेम होता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने थोड़ा देर वेट करा एंड फाइनली गाइस ये भी जो है ना इजीली टेम हो गया था बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके एक बाइट और लेकर हो जाएगा। तो फाइनली गाइस अपना जो है ना दो डिलोफोसॉरस यहाँ पे टेम हो चुके हैं एंड इन्हें लेके चलते हैं हम फटाफट से अपने बेस में। ओ ओ ओ ओ ओ गाइस यहाँ पे देखो ट्राइक चार लेवल का है, छोटा है यार बहुत ज्यादा, ये तो अपने को नहीं चाहिए बट मारेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको तीन चार डिलोफोसॉरस से, क्या बोलते गाइज। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे अपने बेस में आ चुका था एंड मेरे को मेरे बेस के सामने कुछ दो तीन डिलोफोसॉरस दिखे। वेरी गुड भाई, इसकी तो आज कहानी खत्म करेंगे। 54 लेवल का है भाई, मेरे डायनासोरस जो है ना इससे कम लेवल के, बट आई थिंक अपने डायनासोरस इसको इजीली मार देंगे। क्या ही गजब का फाइट चल रहा है, देखो भाई बचना इम्पॉसिबल है उसका, वो फाइट बैक कर रहा है बट नहीं।
भाई लेवल तो काफी ज्यादा था, 56 लेवल का, बट उसका कुछ नहीं हो पाया। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम लोग डिलोफोसोरस की आर्मी बनाए या फिर क्या करें। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।